आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। आवर क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। सेवन पर्संस पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर गोइंग टू अटेंड मैरिज सेरेमनीज बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर इन सेवन डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर नेमली जनवरी, फेबररी, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ईच ऑफ देम इज ऑल्सो लाइक आर डिफरेंट फ्रूट नेमली बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, मैंगो, लीची एंड एप्पल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन में हमें सेवन पर्सन्स गिवन है, वो डिफरेंट मंथ में सेरेमनीज में जाते हैं और उनके फेवरेट फ्रूट्स हमें गिवन है ना। यहाँ पे हम देखें मंथ, पर्सन्स एंड फ्रूट्स। मंथ को यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। जनवरी, इसमें 31 डेज होते हैं, फेब में 28 या 29, मार्च में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज, अगस्त में 31, अक्टूबर में 31 एंड द लास्ट दिसंबर में 31 डेज होते हैं। नाउ अब अरेंजमेंट देखें हम। आर इज गोइंग टू अटेंड द मैरिज इन द मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। आर उस मंथ में मैरिज अटेंड करेगा जिसमें 31 डेज से कम डेज है। यहाँ हम देखें 31 डेज से कम डेज किस में, फेब में है एंड जून में है। तो यहाँ आर के दो केस बन रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखें, ओनली टू पर्सन आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी बिटवीन द मंथ इन विच आर एंड एस। आर एंड एस के बिटवीन ओनली टू पर्सन का गैप होगा जो उस मंथ में सेरेमनी अटेंड करेंगे। यहाँ पे हम देखें आर यहाँ पे है तो उसके अबव में तो और बस जनवरी है, डेट मीन्स आर फेब में मैरिज अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया ना। नेक्स्ट देखें, अगर आर जून में मैरिज अटेंड करता है, टू पर्सन का गैप होगा, मतलब टू पर्सन का गैप होगा जो मंथ में मैरिज को अटेंड करेंगे, डेट इज़ अक्टूबर और अगस्त का। एस किस में करेगा, दिसंबर मंथ में मैरिज अटेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एस अटेंड द मैरिज सेरेमनी, द वन हु लाइक बनाना इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी इमीजिएटली बिफोर। इमीजिएटली बिफोर टी है यहाँ पे। एस से जिस मंथ में एस मैरिज अटेंड करेगा और उस पर्सन का जिसका फेवरेट फ्रूट होगा बनाना, वो इमीजिएटली पहले होगा टी से। ठीक है, यहाँ पे हम देखें, अगर एस दिसंबर में मैरिज अटेंड कर रहा है, उसके बाद कोई पर्सन होगा टी, उसके जस्ट बिफोर में वो पर्सन होगा जिसका फेवरेट फ्रूट होगा यहाँ पे बनाना, वो मैरिज अटेंड कर रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट देखें, ओनली वन पर्सन अटेंड द सेरेमनी बिफोर द वन हु लाइक पपाया। जिस पर्सन का फेवरेट फ्रूट होगा यहाँ पपाया, उससे पहले बस एक ही पर्सन होगा जो सेरेमनी अटेंड कर रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखें, अगर पपाया किसी पर्सन का फेवरेट फ्रूट होता है तो उससे अब एक ही पर्सन होगा जो अटेंड करेगा। अगर कोई पर्सन फेबररी में सेरेमनी अटेंड करता है और उसका फेवरेट फ्रूट होगा पपाया, तो उससे पहले एक पर्सन होगा, डेट मीन्स जनवरी में। ठीक है, उससे अबव तो कोई हो ही नहीं सकता, डेट मीन्स वो पर्सन होगा जो फेबररी में अटेंड करेगा सेरेमनी को और उसका फेवरेट फ्रूट होगा पपाया। यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्यू अटेंड द सेरेमनी इमीजिएटली आफ्टर द वन हु लाइक पपाया। क्यों सेरेमनी अटेंड करेगा जिस पर्सन का फेवरेट फ्रूट होगा पपाया, उसके जस्ट बाद में। यहाँ पे हमने देखा क्यों यहाँ पे है, सॉरी पपाया यहाँ पे है जिस पर्सन का फेवरेट फ्रूट है, उसके जस्ट बाद में कौन होगा, क्यू होगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियर हो गया है। ओनली थ्री पर्सन अटेंड द मैरिज सेरेमनी बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक मैंगो। क्यू एंड जिस पर्सन का फेवरेट फ्रूट होगा मैंगो, उनके बिटवीन ओनली थ्री पर्सन का गैप होगा। यहाँ पे हम देखें अपर साइड पर टू पर्सन का गैप है, अब डाउनवर्ड में देखें वन टू थ्री, डेट मीन्स एस
एस का फेवरेट फ्रूट क्या होगा? यहाँ पे मैंगो होगा। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं। टी लाइक नाइदर मैंगो नोर पपाया। टी का फेवरेट फ्रूट यहाँ पे पपाया और मैंगो में से कुछ भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट देखें। पी अटेंड द सेरेमनी इमिजिएटली बिफोर टी। टी से जस्ट पहले पी अटेंड करेगा सेरेमनी को, डेट मीन्स यहाँ पे अगस्त में। ग्रेव अटेंड द सेरेमनी इन द मंथ विच हैज़ लेस देन 31 डेज। इस पर्सन का फेवरेट फ्रूट होगा ग्रेप्स, वो 31 डेज से कम वाले डेज में सेरेमनी अटेंड करेगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है वो फेब में अटेंड कर सकता है या जून में अटेंड कर सकता है। जून में आर अटेंड कर रहा है वो पर्सन, तो उसका फेवरेट फ्रूट यहाँ पे ग्रेप्स हो सकता है। इसके यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। और फैब में हमने देखा पपाया है, मतलब उस पर्सन का फेवरेट फ्रूट है पपाया है। डेट मीन्स आर वो पर्सन होगा जिसका फेवरेट फ्रूट होगा ग्रेप्स और वो अटेंड कर रहा है जून में 30 डेज के मंथ में। द वन हु अटेंड द सेरेमनी इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज। जो पर्सन मार्च में सेरेमनी अटेंड करेगा उसका फेवरेट फ्रूट यहाँ पे ऑरेंज नहीं होगा। यहाँ हमने देखा टू पर्सन ही रिमेनिंग है और उन पर्सन के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि वो कहाँ पे किस मंथ में मैरिज अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जैन में मैरिज अटेंड करता है वी एंड फैब में कर लेता है यू। ये हमने अपनी तरफ से इसको अप्लाई किया है। नाउ हमें यहाँ गिवन था वी लाइक एप्पल। वी का फेवरेट फ्रूट यहाँ पे होगा एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन में हमें गिवन था जो पर्सन मार्च में सेरेमनी अटेंड करेगा उसका फेवरेट फ्रूट यहाँ पे ऑरेंज नहीं होगा। यहाँ पे टू फ्रूट्स ही रिमेनिंग है, डेट इज लीची एंड ऑरेंज। अब ऑरेंज तो फेबररी सॉरी मार्च में जो पर्सन होगा उसका फेवरेट फ्रूट होगा नहीं, तो किसका होगा? टी का होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑरेंज और यहाँ पे लीची। ना हमने सबको अरेंज कर लिया। देखते हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीपल हु अटेंड द सेरेमनी इन जनवरी एंड जून। कौन कौन से पीपल हैं जो जनवरी एंड जून में सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं? जनवरी यहाँ पे है, जून यहाँ पे है। जनवरी में अटेंड कर रहे हैं वी एंड जून में आर। डेट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? वी आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वी आर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।